और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है सीहोर से, जहां पर शिवराज कैबिनेट बैठक चल रही है। कई मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ आना भी बाकी है। किस तरह का माहौल वहां बना हुआ है? हालांकि हम आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में कई दिनों से मिलन पॉलिटिक्स का दौर चल रहा था, इसी बीच यह कैबिनेट बैठक क्या कुछ मायने इसमें निकलकर सामने आते हैं, इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे एमपी न्यूज के संपादक महेंद्र जी से। महेंद्र जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सीहोर जिले से आ रही है, जहां पर एक निजी रिसोर्ट में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कैबिनेट पूरी तरह से बैठी है। एक तरह से मंथन जारी है, भविष्य में जो तमाम बड़े अहम फैसले लिए जाने हैं उसके लिहाज से इस बैठक को अति महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। दरअसल जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में अपनी भूमिका निभाई है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने तमाम कैबिनेट के जो तमाम साथी हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, 1-to-1 कर रहे हैं, उनके तमाम विभागीय कामों की न केवल समीक्षा की जा रही है बल्कि भविष्य का खाका भी खींचा जा रहा है। जहां एक इस बात के भी संकेत मिले हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग आने वाले दिनों में कोरोना की समीक्षा करने के बाद इस बात का फैसला ले सकता है कि जो तमाम लंबे समय से अटकते आ रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव, उन्हें एक तरह से हरी झंडी दी जाती है। उस लिहाज से भी इस बैठक में जो है मंथन किया जा रहा है, तमाम मंत्रियों से उनका परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री बड़े ही कहा जा सकता है अनौपचारिक अंदाज में अपने तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, इसे इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में तमाम जिलों में जो है प्रभारी मंत्री नियुक्त होना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि जो तमाम बड़े जिले हैं वहां पर ऐसे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाए जो कि आने वाले समय में जो पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हैं उनकी जिम्मेदारी भी वो संभाल सके। तो ऐसे में सरकार अपने आने वाले ड्राफ्ट को न केवल सीहोर के इस रिसोर्ट में तैयार कर रही है बल्कि शिवराज सिंह चौहान की जो तमाम कैबिनेट है वो इस बात पर भी मंथन कर रही है कि कोरोना से बाहर निकलने के बाद, संक्रमण पर काबू पाने के बाद आने वाले दिनों की क्या रणनीति होगी। जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन को एक अभियान के तौर पर सरकार प्रमोट करना चाह रही है, एक मॉडल जो है पूरे देश में प्रस्तुत करना चाह रही है, उसकी रणनीति पर यहां पर बारीकी से चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है, तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं तो राजनीतिक चर्चाएं भी चल रही हैं, चुनाव की बातें भी हो रही हैं, लेकिन देखना बहुत अहम होगा कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक सर्जरी कर सकते हैं, क्या उसके भी कोई संकेत निकलते हैं। दूसरा, नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उसकी रणनीति कैसे वो मंत्रियों के साथ बनाते हैं। तीसरा, संगठन के विस्तार और तमाम जो निगम मंडल तमाम लंबे समय से जिसकी सूची अटकती आ रही है, क्या उसे हरी झंडी यहां पर देते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी खबर सीहोर जिले से निकल रही है, 1-to-1 कर रहे हैं मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ, जिसका मंथन जो है शाम तक पूरा होगा और पूरी खबर क्या है ये हम आपको सबसे पहले एमपी न्यूज पर सटीक अंदाज में पहुंचाएंगे। ये बड़ी खबर सीहोर जिले से।